तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम आए हैं हमारे नया गेम को लेकर, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। ऑब्वियसली हम प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाले, हम ऐसे ही ना थोड़ी ना मतलब आपके साथ झूठ बोलेंगे। आप लोग बहुत महान हो, आपने जो सपोर्ट दिखाया भाई, हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए। अब क्या ही बता सकता हूँ मैं। एंड आज हम आए हैं एवाकिन पे, तो आज हम कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी देने वाले हैं आप सबको, क्योंकि वीडियो पे कुछ था नहीं इतना ज़्यादा देने के लिए। मतलब क्या ही देखोगे मेरा, मतलब वर्ल्ड ही देख लो थोड़ा, और मेरे गिल्ड के मेंबर्स को भी दिखा देता हूँ थोड़ा। हाँ, आज इसके अलावा हम ट्रायल भी थोड़ा खेलेंगे, तो वो भी देख लो। तुम्हारा भाई चैम्पियन ट्रायल में तो नहीं आता, बस पोकेमॉन ट्रायल में ही आता है। यही सबसे बड़ी बकलोली है भाई। ठीक है, तुम्हारा भाई आज बहुत नल्ला है, गरीब है, इसलिए देखो आज सब लोग देख भी सकते हो। जो लोग बोलते हो ना कि शैडो भाई ने सीआर इंक्रीज किया बिकॉज उन्होंने वीआईपी खरीदा ऐसा वगैरह, नहीं भाई, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। मेरे यहाँ पर मैंने आज तक वीआईपी तो छोड़ो भाई, मैंने टॉपअप तक नहीं किया। अच्छा ठीक है, अगर वो भी यकीन नहीं होता तो ये देखो, अगर मैं डायमंड्स पे जाता हूँ तो देखो जीरो वीआईपी या खरीदा है मैंने, एक भी मतलब डायमंड मैंने खरीदा नहीं। ठीक है, तो अभी जो डायमंड्स दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वो डायमंड्स भी मैंने 7-8 दिनों से जमा किया है। आप सब लोगों को मैं एक टिप भी देता हूँ अभी, आप सब लोग हमेशा एक्टिव रहना वर्ल्ड बॉस के टाइम, क्योंकि आप लोग जब वर्ल्ड बॉस के टाइम पर एक्टिव रहोगे दोनों के, तो चांसेस है कि लकी प्लेयर में आपका नाम आ जाए। ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि आज मुझे लकी प्लेयर मिला, तो आज कल शायद मेरा 8500 डायमंड्स था, और आज सुबह जब सारे क्वेस्ट ख़त्म हो गए तो टोटल 10270 डायमंड्स हुआ। तो हाँ, मतलब लगभग हमने 1800 डायमंड्स एक ही दिन में अर्न किया है। वो भी कैसे, बहुत ही सिंपल उपाय से। पहले तो ये इससे मिला, देखो इधर से मुझे आज मतलब कल 300 डायमंड्स मिले। ठीक है, तो जो मतलब प्लस करते जाओ, ठीक है, मैं इतना बोल रहा हूँ। पहले तो 300 इधर से मिला, फिर जो हमारा ये वार है, आप लोग इसमें भी अगर रैंकिंग लाते हो अच्छा, तो आपको बहुत अच्छे डायमंड्स मिल सकते हैं इसमें से भी। जैसे कि अगर आप टॉप 10 में रहते हो, जैसे कि हमारा गेमिंग ड्यूड्स भाई अभी टॉप 9 में है, इट्स वेरी गुड फॉर हिम, सो बहुत अच्छा खेल रहा है गेमिंग भाई। तो हाँ, अगर टॉप 9 पे रहते हो तो शायद आपको 500 डायमंड्स मिलेंगे, और अगर टॉप 20 में रहते हो फिर 400, फिर टॉप 30 में फिर 300, फिर मैं अभी 31 पे था तो मुझे आज 300 डायमंड्स मिले, ज़्यादा तो नहीं मिले। ऑल्सो आप लोग बहुत सारे प्लेयर्स ये भी बता सकते हो कि जो गिल्ड वार है, गिल्ड वार ख़त्म होने के बाद भी आपको 20 या 25 डायमंड्स उससे भी मिलता है, तो गिल्ड वार में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ये भी एक चीज़ है। ऑल्सो जो जिस तरीके से कर सकते हो, मैंने जो बोला है वर्ल्ड बॉस ज़रूर से ज़रूर खेलना। ठीक है, उसको एक भी अगर मिस होता है तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ये एक चीज़ है जो सब लोग ये गलती करते हैं। तो हाँ, वर्ल्ड बॉस मिस नहीं होने देना, और ऑल्सो कोई भी वार वगैरह भी मिस नहीं होने देना। ठीक है, तो डायमंड्स जल्दी से अर्न हो जाएगा। ऑल्सो जो ये वाला इवेंट है एक्सप्लोर वाला, बहुत सारे प्लेयर्स इसको खेलते भी है, बहुत सारे खेलते नहीं है। जो लोग खेलते नहीं है भाई शर्म करो, इसमें सिर्फ तुम्हें 400 से प्लस डायमंड्स मिलते हैं। जैसे कि तुम्हारा अभी, मेरा अभी करंट रैंकिंग 5 है, क्योंकि मेरे सर्वर के जो लोग हैं उन्होंने सारे लोग ने ही वीआईपी लगभग खरीद रखा है। जैसे कि गेवी, इसका सीआर देखो बहुत कम है, फिर भी इसका वीआईपी 1 है। ठीक है, तो वीआईपी 1 लेने से भी एक फ़ायदा है कि आप ये जो है खरीद सकते हो, एसटीआर जो वगैरह लगता है, तो वीआईपी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सब इसे खरीद सकते हो। एंड खरीदने के बाद अब ज़्यादा जितना पॉइंट्स करोगे उतना ही रैंकिंग आएगा। फर्स्ट रैंकिंग के लिए आपको 500 डायमंड्स मिल सकते हैं आप इधर से। ऑल्सो आप लोग वो भी इवेंट खेल सकते हो, ये वाला चैम्पियन ट्रायल वाला, अगर आप टॉप 10 में आ जाते हो प्रिपरेशन राउंड में, फिर फाइनल फेज़ में अगर आप पहुंचते हो तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है भाई, बिकॉज फाइनल फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा डायमंड्स भी मिलेंगे। ऑल्सो जो जिन लोगों को नहीं पता, फाइनल फेज़ जब ख़त्म होने वाला होता है तो आपको एक बेटिंग का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे कि बहुत सारे प्लेयर्स बोलते हैं कि प्रेडिक्शन सक्सेस, मतलब ये बेट कहाँ से, मतलब बेट का जो डायमंड्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो लास्ट जब अभी देखा रहा है इधर 10 घंटे बचाए, तो 10 घंटे बाद ये जब रिफ्रेश होगा तब एक बेट का ऑप्शन आएगा, वो भी 12 घंटे तक। ठीक है, 12 घंटे के लास्ट में जाके, एकदम एड में जाके तुम बेट करना जो नंबर 1 पे होगा। जैसे कि हमारा जेफरी भाई अभी नंबर 1 में है, तो उनको ज़्यादातर करना चाहिए, तो हाँ उनसे भी 500 मिल सकता है आपको डायमंड्स। और एक चीज़ जो ट्रिक्स है, एक दो ट्रिक्स है वो भी दिखाता हूँ। बहुत सारे प्लेयर्स को भी ये तकलीफ़ होता है कि ये चीज़ जो है, दिखाता हूँ, बोलने से फ़ायदा नहीं भाई, दिखा देता हूँ डायरेक्टली।
ये देखो स्पिरिट वाला चीज, स्पिरिट वाला बहुत बहुत ही रेयर होता है सबकी मैक्स होना, बट मेरा सारे मैक्स है, आप सब लोग देख सकते हो सारे मैक्स है, एक भी एक लेवल कम नहीं है भाई, ठीक है, तो सारे मैक्स है। क्यों मतलब इतने एसेंस कहाँ से लाए, मतलब मैंने क्या वो पोकेमॉन बेचा है? नहीं भाई, मैंने एक भी पोकेमॉन्स जो नॉर्मल पोकेमॉन्स को बेचकर तुम इनकी शार्ट्स बनाते हो वो कभी मत करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पास आज से ये ट्रिक होगा जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें बस कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा स्पेंड करना है, ये जो गोल्ड वगैरह है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। अभी देखो मेरा पास कितना है, मैं दिखाता हूँ मेरे पास जितने भी एसेंस है स्पिरिट एसेंस, तो हाँ इधर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मेरे पास 4655 एसेंस है, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट विदाउट द ट्रिक, ठीक है, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है, आप लोग अगर ये ट्रिक इस्तेमाल ना करो आपको ज़रूर से ज़रूर VIP खरीदना पड़ेगा इसके लिए। ऑल्सो जिन लोगों को अच्छा ये चीज़ भी बाद में बताता हूँ, पहले स्पिरिट वाले ख़त्म करता हूँ, ठीक है, तो स्पिरिट वाले में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अभी आप लोग अपने पोकेमॉन सेक्शन में जाओगे और जिसके पास सबसे ज़्यादा आपने स्पिरिट इंक्रीज किया है ना उसका ही रिबॉर्न करो रिबॉर्न टिकट से। तो रिबॉर्न टिकट आप लोग कहाँ से खरीदोगे, स्टोर में जाओगे, एरिना में जाओगे, एरिना स्टोर में, एरिना स्टोर में जाने के बाद इधर जो ब्लू वाला है स्पिरिट रिबर्थ का कार्ड ये खरीदोगे, खरीदने के बाद यहाँ पर आके रिबॉर्न पे जाओगे, फिर पोकेमॉन रिस्टोर, फिर स्पिरिट रिस्टोर करोगे, ठीक है। और इधर ही सबसे मेन बात, हमेशा ये सीनियर रिबॉर्न ज़रूर से ज़रूर करना, भाड़ में गया सब कुछ मतलब ना इधर देखना ना उधर, अगर 41 डायमंड्स लगता है भाई तो लगता है, बट स्पेंड करना वर्थ इट है, ठीक है। तो 41 डायमंड स्पेंड करोगे ना तो एक चीज़ होगा कि ये देखो अभी जो एसेंस दिखा रहा है ना, असल में मैंने इससे भी कम एसेंस इस पर डाला है, ठीक है, बट मेरा उससे फ़ायदा ये है कि मैं ज़्यादा उठा सकता हूँ इससे। तो ये लो मैंने रिबॉर्न कर दिया, थोड़ा डायमंड्स जाएंगे, कोई नहीं हम फिर से जुगाड़ कर लेंगे, तुम्हारे भाई के पास डायमंड्स की अभी कमी नहीं है, ओके। फिर जब रिबॉर्न हो जाता है तब ये चीज़ भी नोटिस करना, डायरेक्टली ये ऐसे डायरेक्टली मत कर देना, ठीक है, कभी भी ऐसे डायरेक्टली मत करना भाई, प्लीज़। क्या करोगे, पहले ऐसे डायरेक्ट करोगे तो ये वन लेवल पे हो गया, देखा ये एक बग है, तो ये करोगे फिर से वापस, फिर से दोगे ऐसा करते जाओगे। अब देखो बस 400 लगता है इसको फुल इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, अब फिर से करोगे जितनी देर जब मतलब कम नहीं आ जाता ना तब तक करते जाओ। ये देखो 378 आया, बस 378 एसेंस से तुम्हारा ये फुल मैक्स होने वाला है, ठीक है, ये एक चीट कोड है। तो ये हो गया एक मैक्स, और अभी इसको करने के लिए 872 लगते हैं, ठीक है, और इसको भी मैं कम में करने की कोशिश करता हूँ, 445 हो गया था, ऐसे करते जाओगे जब तक सबसे कम नहीं मिलता, तो 445 सबसे कम है तो कर लेंगे हम इसको भी, ये कर दिया। तो हमारा जब हमने एसेंस नहीं किया तो आप सबको याद ही होगा मेरे पास कितने एसेंस थे, 4500 अराउंड कुछ था, ठीक है, और अभी देखना एसेंस कितना होता है मतलब रहता है। ये हो गया, ये भी सबसे कम है तो इसको कर देते हैं, ये भी मैक्स हो गया, और मेरा पहले से ही मैक्स था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैक्स था पूरा, मैं पूरा ही मैक्स करने वाला हूँ, 56, तो इसे भी कर लो, हाँ तो ये मैक्स हो गया, चारों मैक्स हो गए, खत्म हो गए सब, ठीक है, मैंने पूरा मैक्स कर दिया, ठीक है, तुम्हारे आंखों के सामने देख सकते हो मैक्स था, मैंने मैक्स ही किया, ठीक है। बट अभी अब सब लोग देखोगे और शॉक्ड हो जाओगे कि इधर मटेरियल में जब मैं आता हूँ तब एसेंस मेरा 4500 था और अभी मेरे पास 6900 है। गाइस ये ट्रिक वर्थ इट है, मैं बता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ, ये ट्रिक वर्थ इट है, कितना ज़्यादा तुम्हारा ये पोकेमॉन्स के शार्ड्स बचते हैं आप लोग देख सकते हो खुद ही। तो हाँ ये ट्रिक तो दिखा दिया, जिन लोगों को ये स्पिरिट वाला प्रॉब्लम है अभी सॉल्व कर लो, तुम्हारा भाई ने ट्रिक दिखा दिया, और क्या चाहिए। अभी एक और चीज़, स्किल वाला जो पॉइंट्स होता है वो आप जब VIP खरीदते हो तभी जाके ये 999 जाके होता है मैक्स पर, ठीक है, नहीं तो 40 पे ही मैक्स हो जाता है आपका, उससे ज़्यादा आप स्किल कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो जब आपका लेवल अप करना होता है इसका तो बहुत मुश्किल होता है इसको लेवल अप करना, बट आप लोग एक काम कर सकते हो कि रिबॉर्न में जाओगे, सेम तरीके से अपना स्किल को भी ऐसे रिस्टोर करोगे, ऑल्सो डायमंड्स के साथ, ठीक है, 15 डायमंड जाएगा बट कोई नहीं, वर्थ इट होगा, मैं बता रहा हूँ वर्थ इट होगा, ये तुम्हारा जो स्किल का पॉइंट्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 40 होगा ना, तो तुम अगर स्पिरिट जो स्किल है उसको रिबर्थ करते हो तो उससे ज़्यादा देगा, क्योंकि एक हर एक में 74 अगर लेवल है
तो 74 करके 5 बार या 6 बार तुम्हें अगर मिल जाए तो कितने हुए, शायद 400 या 500 तो हो ही जाएंगे, मतलब स्किल तो वो एक चीट कोड हो गया ना, कि स्किल ज़्यादा हो गया ना 40 से। तो तब अगर स्पेंड भी करते हो सारे स्पेंड करने के बाद अगर रिस्टोर होने के लिए रख देते हो सारा दिन सारी रात, फिर जाके तुम्हारा 999 मैक्स हो जाएगा, और तब जितनी भी मर्जी खर्च कर लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल्सो जो बोल रहे होंगे अभी, शायद किसी बहुत सारे लोगों को लग रहा है मेरा ये जो हमारा ये है स्टैमिना वो इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मैंने इवेंट्स में मतलब ज़्यादा स्पेंड नहीं किया, मतलब खरीद के रख देता हूँ, ज़्यादा मतलब पुश नहीं करता है। पुश मैं भी बोलता हूँ भाई, कोई पुश मत करो ऐसे। जब इवेंट्स में जाओगे इधर आएगा, ठीक है, इधर एक इवेंट आएगा जिसमें लिखा होगा कि तुम्हारा जो नॉर्मल इवेंट्स होंगे ये जर्नी के, तो उसका जो चीज़ें मिलते हैं जैसे कि ये अभी जो चीज़ें मिल रही है वो डबल इंटू जब तक ना हो जाए ना तब तक स्पेंड मत करो भाई, ठीक है। जब 7 दिन के बाद डबल इंटू होता है तब जाके स्पेंड करो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा तुम्हारा। तो ये चीज़ भी, बट हमेशा हर दिन थोड़ा करना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा इसके लिए मैं बताता हूँ, हर दिन तुम्हारा एक दो टास्क होगा कि 3 एलिट करना पड़ेगा और 10 तुम्हें वो नॉर्मल वाला स्टोरी मोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 स्टोरी मोड कर दोगे तो 60 जाएगा, एलिट 3 बार करोगे तो शायद 36 जाएगा, तो कुल मिला के लगभग तुम्हारा 86 जा रहा है। इतने इससे ज़्यादा स्पेंड मत करो, ठीक है, बाद में स्पेंड करो, यही मैं बोलता हूँ। और जेम्स भी जितना मर्जी मतलब करेक्ट कर सकते हो आप सब लोग। और अभी थोड़ा प्यूरीफायर भी दिखा देता हूँ, प्यूरीफायर नहीं पोकेमॉन ट्रायल। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मेरे गिल्ड्स के जो मेंबर्स है वो भी दिखा देता हूँ। तो इस सर्वर में सारे लोग मतलब जितने भी अच्छे प्लेयर्स थे सब लोगों ने मेरा ही गिल्ड ज्वाइन किया। ये गिल्ड जो है लेजेंड, ये 2nd रैंकिंग पे था एंड ये दीवार था हमारा 1st रैंकिंग पे, और मैं तब मतलब कोई रैंकिंग में नहीं था, इतना ज़्यादा मेरा कम रैंकिंग था। फिर गेमिंग भाई ने, फिर लोजैक्स ने, पीटर्स ने, मेरे मतलब वर्ल्ड के सर्वर के जितने भी अच्छे प्लेयर्स थे सब लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे जो गिल्ड है मैं हमेशा गिल्ड का जो मतलब मेंबर्स होता है उनके, तो मतलब ये देखो देख सकते हो डोनेट करना होता है, तो मैं हमेशा कर देता हूँ भाई, देख ही सकते हो, हमेशा जिसका भी मतलब डोनेट हो ना हो मैं दे देता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है भाई। ऑल्सो हमेशा हर दिन 4 या 5 बार तुम्हारा ये गिल्ड का जो स्टोर है वो रिफ्रेश होता है, तो ये याद रखना, मतलब वर्ल्ड बॉस के पहले, हाँ वर्ल्ड बॉस के पहले एक बार तुम्हारा इसको खरीदोगे डेक्स स्क्रोल को, फिर वर्ल्ड बॉस के बाद एक खरीदोगे, फिर सुबह को जब उठोगे वर्ल्ड बॉस के पहले एक और बार खरीदोगे और वर्ल्ड बॉस के बाद एक और बार खरीदोगे, तो लगभग दिन में तुम 40 डेक्स स्क्रोल खरीद सकते हो अगर तुम्हारे पास ये गिल्ड कॉइन ज़्यादा है तो। ऑल्सो गिल्ड इंटेंस भी हम लोग बहुत अच्छे खेलते हैं, मतलब देख ही सकते हो, हमारा क्लैन ही बस एक क्लैन है जो देख सकते हो ये टॉप 3 में बस हम ही है एक अकेला, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो। तो हाँ, जो भी लोग चाहते हो खेलना तो हाँ आ सकते हो, हमारा गेमिंग भाई भी इधर खेलता है, तुम्हारा फेवरेट गेमिंग भाई जो है हमारा गिल्ड का, ये रहा गेमिंग भाई, हमारा गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट के बाद का नंबर, जो भी आप सबको पता ही होगा। और ये पीटर्स, ये बहुत मतलब हमारे सर्वर का गॉड लेवल का प्रो है, ये भी मेरा वाइस प्रेसिडेंट है। एंड स्टार लॉर्ड, इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, वो गेमिंग भाई के हमेशा स्ट्रीम पे आते हैं, उनका नाम है ग्रैंड मास्टर, तो हाँ वही है। तो लगभग हाँ सब लोग मेरे अच्छे प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर एक्टिव ही है, बस 8 बंदे ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है ऐसे ही। एंड अभी देख सकते हो मेंबर्स में बस 24 मेंबर्स है, तो आप सब लोग ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इतना मतलब मैक्स गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो आप सब लोग, आप मतलब बस कुछ नहीं करना भाई, बस 50 लेवल करो ज्वाइन कर दो, बस हो गया, ठीक है। बिकॉज एक क्लैन को भी इंक्रीज करने में हमें भी थोड़ा मुश्किल हुआ है, तो 50 लेवल इज़ वर्थ इट गाइस, तुम सबको 50 लेवल करना ही चाहिए, थोड़ा खेलो भाई, एक्टिव रहो, अपने आप को प्रूव करो कि हम लोग भी मतलब तगड़े प्लेयर्स हैं, तो मैं ज़रूर लूँगा, तुम लोग अगर एक्टिव हो गए मैं ज़रूर लूँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि शेडो किसी को ना ले गिल्ड में वो अगर प्रो बंदा ना हो। तो हाँ, आज के लिए भाई शायद इतना ही, एक दो मैच दिखा देता हूँ आप सबको अगर पसंद आए। एक काम करता हूँ, हमारे गेमिंग भाई को ही थोड़ा कूट देता हूँ। गेमिंग भाई माइंड मत करना प्लीज़ वीडियो देखने के बाद, आई एम सॉरी पहले ही बता रहा हूँ। शायद हार भी सकता हूँ गेमिंग भाई से, बिकॉज गेमिंग भाई का CR मुझसे ज़्यादा है, ऑल्सो उनका वो स्पीड भी मुझसे ज़्यादा है,
बस कभी कभी कुट जाते हैं मुझसे, बहुत ही रेयरली कुट जाता है भाई, मतलब उनका जब पोकेमॉन्स वगैरह नल्ले हो जाते हैं तब जाके कुटता है कहीं। इनका लूनाला एंड म्यूटू एंड सिल्वियन एंड रेक्वेजा बहुत अच्छे लेवल पर है, बस उनका रेक्वेजा एक नल्ला है, मतलब शायद नकली पकड़ा दिया है उनको, कि उनका रेक्वेजा मल्टी डैमेज करता ही नहीं यार, बिकॉज उन्होंने अब तक रेक्वेजा का जो स्किल है उसको अपग्रेड ही नहीं किया, ये सबसे बड़ी गंदी चीज़ है। एंड ये देखो आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो लोग सुलगिलियो को ज़्यादा पसंद करते हो इस गेम में, प्लीज़ मैं बताता हूँ सुलगिलियो अच्छा नहीं है। सबसे अगर अगर अच्छा कोई पोकेमॉन है ना तो भाई सबसे ज़्यादा टकरा है ग्रोडॉन, ये देखो सारे को कूट दिए अकेले, बिकॉज ग्रोडॉन जब तुम्हारा एक्टिव होता है उसका सील, सामने जो कोई भी है अगर वो लूगिया भी होता है ना उसको भी स्टन करके रख देगा, इतना ज़्यादा पावरफुल है हमारा ग्रोडॉन। तो ग्रोडॉन ज़रूर लेना, सुलगिलियो जाए बाहर में भाई, ये देखो हरा दिया तुम्हारे भाई ने। तो हाँ मतलब मेरा रेक्वेजा कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है, क्योंकि मैंने रेक्वेजा इवेंट में थर्ड रैंकिंग लाया था एंड मुझे उसका जेम भी मिल गया था इसकी वजह से, बस सिल्वियोन का उसके बाद जेम नहीं मिला क्योंकि मेरे एक टीम के बंदों ने जस्ट थोड़ा धोखा कर दिया लास्ट में जाके उसने पुश कर दिया, तो हाँ नहीं मिला। तो हाँ गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।